ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल तुमने देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेन जिसका मैं यूज करूंगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को पिक्सआर्ट में ओपन करके ड्रो टूल में जाना है। ड्रो टूल में जाने के बाद आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है, ठीक है। एंड गाइस, मैंने मॉडल का जो बैकग्राउंड है, मैंने पहले से इरेज कर रखा है। एंड जिसको भी इरेज करना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक है, उसको देखो एंड ईजिली बैकग्राउंड को इरेज करना सीख लो। तो गाइस, इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को जाना है ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद गाइस, मैं पहले इसको ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद इसको इस साइड को रोटेट कर लेता हूँ। एंड इसका सिंपली आप सभी को उसको जूम करते हुए यहाँ पे लेकर आ जाना है। एंड यहाँ पे जो कार का पीएनजी लगा रखा है मैंने, इसके नीचे आप इसके ऊपर आप सभी को अपने मॉडल को खड़ा कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ से सिंपली राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है, ठीक है। पहले यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट करके एंड साइज़ को जो है आपको अपने हिसाब से रख लेना है। एंड ऊपर राइट वाला ऑप्शन उस पर डन कर देना है। एंड जाना आप सभी को फोटो लेयर में, ठीक है। फोटो लेयर में जाने के बाद का हिसाब से मैंने वाला पीएनजी दे रखा है, तो आप सभी को इस पीएनजी को ले लेना है। एंड ये सिंपली आप सभी के यहाँ पे जैसे सेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद गाइस, आप सभी को करना है कि आप सभी को अपने इस हैंड के पास आगे की तरफ यहाँ पे लगा देना है। एंड उसके बाद आप सभी को सिंपली डन वाले ऑप्शन में क्लिक करके डन कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को एक और इम्पिटी लेयर बनानी है। एंड उसके बाद इम्पिटी लेयर बनाने की है, उसके बाद आप सभी को इसको ले जाना अपने मॉडल के नीचे। एंड उसके बाद आप सभी को नीचे अपने मॉडल का जो मॉडल है इसके नीचे शेडो बनानी है। तो शेडो और ओपोसिटी जो है आप सभी को उसका ब्रश का साइज़ है उसको फुल रखना है और ओपोसिटी को कम कर देना है। एंड उसका सिंपली इस तरीके से आपको पेंट करना है, ओके। इतना कर देने के बाद आप सभी को करना क्या है, आप सभी को यहाँ से सिंपली मतलब कि पहले जो ओपेसिटी अगर आपकी ज़्यादा हो जाए तो उसको आप कम कर लेना, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ से डन कर देना है। एंड डन कर देने के बाद आप सभी को क्या करना है गाइस, आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को एक मैंने तलवार का पीएनजी दे रखा है, तो आप सभी को इस पीएनजी को ले लेना है, ठीक है। इस पीएनजी को आप सभी को सिंपली किस तरीके से लगाना है, आप सभी को अपने हैंड के पास लगा लेना है, ठीक है। तो एक गाइस, ये मॉडल जो है मेरा मतलब कि किसी और कॉन्सेप्ट के लिए था, तो यार थोड़ा मतलब कि परफेक्ट से मैं यहाँ पर ये तो तलवार इसको मैं नहीं लगा पा रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे गाइस, आप मतलब कि अच्छे से पोज देना है। एंड उसके बाद ऐसा लगना चाहिए कि आपने हाथ में कुछ पकड़ रखा था, ऐसा कुछ पोज देकर आप सभी को इसको लगा लेना है, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, ऐसे ही सिंपली यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। एंड इसको हम ओपेसिटी कम करके यहाँ पे इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा जो वेस्ट पार्ट है, एंड इसको यहाँ पे हम सेट कर देते हैं। तो इरेजर टूल में जाएंगे। एंड इरेजर टूल में जाने के बाद जो है इसके हम हार्डनेस एंड ओपेसिटी सब कुछ फुल कर देंगे। एंड साइज़ को छोटा करके एंड यहाँ से हल्का सा इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इरेज कर लेने के बाद आप सभी को यहाँ से कर देना डन एंड ओपेसिटी फुल कर देना है। एंड यहाँ से कर देना डन, ठीक है गाइस। तो यहाँ का तक का जो काम हो चुका है, तो उसके बाद क्या करना, आप सभी को अगेन जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को ये वाला एक पीएनजी दे रखा मैंने, तो आप सभी को इस पीएनजी को ले लेना है, ठीक है। इसको पीएनजी को आप सभी को कैसे लगाना है मैं आप सभी को बताता हूँ। आप सभी को पहले क्या करना है, आप सभी को जो पीएनजी आप सभी को मतलब कि हवा में उड़ रहा हो इस तरीके से आप सभी को लगाना है। तो आप सभी को कैसे लगाना मैं बताता हूँ। आप सभी को क्या करना है, पहले ऐसे करके देख लेना, अगर आपको यहाँ पे अच्छा लगता है तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। बाकी आप अगर चाहो तो मतलब ऐसे लगाओगे तो लगेगा पूरा कि हाँ ये हवा में उड़ रहा है। तो इस तरीके से आप सभी को लगा लेना है। एंड यहाँ से कर देना डन, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी को एक पीएनजी की और जरूरत पड़ेगी, ठीक है। स्मोक का पीएनजी जो कि मैंने आप सभी को दे रखा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, वो पीएनजी हम सिंपली ले लेंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम जाएंगे इसका ब्लेंडिंग मोड रख देंगे स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन कर देंगे एंड इसको जूम करके एंड जाएंगे एडजस्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है। एडजस्ट वाले में जाने के बाद सैचुरेशन है जिसको माइनस कर देंगे। एंड जो कॉन्ट्रास्ट है इसको हम हल्का सा ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ से कर देना डन, ठीक है। एंड ऐसा अगेन डन कर देना है। एंड यहाँ तक का जो काम था हमारा हो चुका है। तो उसके बाद क्या करना है, आप सभी को जाना है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद जाना एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना ऊपर की तरफ। एंड जो सैचुरेशन है इसको माइनस कर देना है। एंड सैचुरेशन माइनस कर देना, जो ब्राइटनेस है इसको माइनस कर देना है। एंड जाना इरेजर टूल में। एंड यहाँ से कर देना इन्वर्ट। एंड ब्रश में जाके आप सभी को सिंपली आपका जो ये मतलब कि पीएनजी लगाया था हमने रेड कलर का, आप सभी को सिंपली बस इसी को ऊपर पेंट करना है, ठीक है। बस इसी को ऊपर पेंट करना है। एंड उसके बाद यहाँ से भी आप सभी को डन कर देना है, ठीक है। यहाँ से कर देना डन। एंड उसके बाद रहती है हमारी कलर करेक्शन। तो यहाँ से हम फोटो कर लेते हैं सेव एंड चलते हैं लाइट रूम ऐप के अंदर। तो गाइस, जब तक लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है और अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार आपके एक लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलती है यार मेरे को। यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। और यार आप में से मेरा कोई भी भाई अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, ताकि गाइस जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी अपडेट सबसे पहले आप सभी को मिले। क्योंकि यार मैं दिन में 2 से 3 वीडियो आप सभी के लिए डालता हूँ। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस, आप बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, हमारी जो फोटो यहाँ पे ऐड हो चुकी है, आप सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे एंड इसको कर लेंगे हम ओपन, ठीक है। एंड यहाँ से क्या करेंगे, आप सभी को नीचे साइड में दिख रहा होगा लाइट वाला ऑप्शन, तो आप सभी को क्या करना है, इस लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
इस पर क्लिक कर देने के बाद आप सभी को कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, हाईलाइट को आप सभी को बढ़ा देना है, एंड जो शेडो है इसको बढ़ा देना है, ठीक है। एंड इसके बाद जो वाइट है इसको कम कर देना है, एंड ब्लैक है इसको बढ़ा देना है, ठीक है, ब्लैक को कम ही रख देना है, ठीक है। एंड इसके बाद जाना कलर्स वाला ऑप्शन है, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, एंड जाना मिक्स में ऑरेंज कलर है जिसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है, येलो कलर इसके ह्यू को माइनस कर देना है बिल्कुल, ठीक है, सॉरी सैचुरेशन को बिल्कुल माइनस कर देना है। एंड उसका जो ब्लू कलर है इसके ह्यू को माइनस एंड सैचुरेशन को बिल्कुल माइनस, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को ऊपर से कर देना है डन, ठीक है, ऊपर से कर देना डन। एंड उसके बाद जाना आप सभी को नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी है इसको बढ़ा देना है, एंड जो फोटो में विग्नेट आपको हल्का सा डालना है, एंड जो ग्रेन अमाउंट है इसको बढ़ा देना है, एंड जो नीचे वाला टूल है उसमें जाना है। एंड उसके बाद जाएंगे हम शार्पनेस को बढ़ा देंगे और नोइज रिडक्शन को इसको ही बढ़ा देंगे, एंड कलर नोइज रिडक्शन इसको ही बढ़ा देंगे। सो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो एडिट हो चुकी है, आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक गुड बाय।